Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So, today's video is about the revision series about the topic of cost control account. Uh, so, we are going to revise all the basic entries of cost control account, and you will be clear with all your doubts after watching the video. हेलो एवरी वन सो टूडेज रिविजन सीरीज विल बी रिलेटेड विद वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम कॉस्टिंग विच इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट एंड विच विल बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अ वर्ल्ड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो आज हम कॉस्टिंग में एक चैप्टर है जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं बिकॉज इसमें अगर देखे जाए तो ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट जर्नल एंट्रीज होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में भी और कॉस्ट अकाउंट में भी सो इट्स रिलेटेड विद इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग तो अभी ये चैप्टर आपको एग्जाम में ओवरऑल फिफ्टीन मार्क्स के लिए आने वाला है और जिसमें आपको लेजर पूछा जाएगा तो अगर लेजर अकाउंट्स पूछते हैं तो सबसे पहले आपका बेस होता है जर्नल एंट्रीज अनलेस एंड अनटिल यू आर नोइंग दी जर्नल एंट्रीज यू के नॉट प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स तो मैं आज आपको कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ और ऐसी कुछ जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एंट्रीज आप कोई भी क्वेश्चन ले लो आपके नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में वो सारे एंट्रीज़ कवर अप होने ही वाली है और एग्जाम में भी इसी में से एंट्रीज आपकी आएगी सो so बेसिकली सारे एंट्रीज पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा इसीलिए हम कुछ बेसिक एंट्रीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं कुछ मेथड भी आपको बताऊंगा कि किस बेस पे आप ये जर्नल एंट्रीज़ को याद रख सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें दिस इज द फर्स्ट रिविजन लेक्चर ऑफ आवर कॉस्टिंग सीरीज़ इसके पहले मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मालगमेशन पे रिविजन सीरीज़ डाला है तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो भी देखे और अपने बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर करें सो लेट स्टार्ट विद नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो देखो दो टाइप के सिस्टम होते हैं एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम और एक होता है नॉन इंटीग्रेट सिस्टम तो इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट दोनों के अकाउंट्स इंटीग्रेट होके बनाया ही है लेकिन नॉन इंटीग्रेट सिस्टम का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग जो कास्ट कास्ट अकाउंटेंट है वो अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेनटेन कर रहा है एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है वो अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है दैट इज व इट इज नॉन इंटीग्रेटेड सो द कॉस्ट लेजर कंटेन्स टू टाइप ऑफ अकाउंट टू कंप्लीट द डबल एंट्री नंबर वन इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और नंबर सेकेंड है थ्री कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट विच इज कॉल्ड ए स्टोर डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश गुड्स तो आपको इस चैप्टर में एक ऐसा नाम है जो चैप्टर का ही नाम है वो है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट और वो आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट अगर कोई भी एंट्री पास करता है जैसे उसने असेट्स को परचेस किया जैसे उसने एक्सपेंसेस uh, को पे किया तो वी आर पासिंग सिंपल एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बट इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें एंट्री याद रखना है अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करोगे तो एक्सपेंसेस टू बैंक नहीं लिखना है बैंक को हम एक सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे वर्ड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट तो योर एंट्री विल बी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू Cost control account. तो यहाँ पे हमें क्या करना है Cost control account एक ledger बनाना है, different, different है, है, है. फिर बनाने हैं जैसे तो हम डिस्कस करते हैं अभी वन बाय वन जर्ल एंट्रीज और उसको किस तरीके से याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ सो बेसिक जर्नल एंट्रीज अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ये एंट्रीज के बिना तो सम हो ही नहीं सकता है नंबर वन है मटीरियल परचेस तो देखो पर परचेस का एंट्री है स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अब इसको याद कैसे रखें मटेरियल को हम याद रख सकते हैं कि मटेरियल विल बी रिप्लेस विद स्टोर्स मटेरियल जहां पे भी मटेरियल्स वर्ड आएगा वहां पे आपको स्टोर्स लिखना है इतना याद रखना है तो मटीरियल के जगह पे हम क्या लिखेंगे स्टोर्स लिखेंगे तो एंट्री होगा स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आपको क्रेडिट करना है उतना आपको याद रखना है फिर इफ मटीरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब स्पेशल जॉब हो यहां पर आपको बता के रखता हूं याद रखना है जहां पे भी वर्ड आएगा प्रोडक्शन प्रोडक्शन सो वेर एवर द वर्ड कम्स प्रोडक्शन आपको याद रखना है प्रोडक्शन so जहां पे भी आएगा वहां पे लिखना है डब्ल्यू आई पी डब्लू आई पी इज वर्क इन प्रोग्रेस सो स्पेशल जॉब के लिए आप अगर इशू कर रहे हो तो स्पेशल जॉब के लिए इशू कर रहे तो हो तो एंट्री क्या होगा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट सब में कंट्रोल डालना है मैंने यहां पे शॉर्टकट में लिखा है डब्ल्यू आईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन देखो अब भी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन सो जहां पे भी प्रोडक्शन वर्ड आएगा तो क्या लिखना है हमको डब्ल्यू आई पी जहां पे भी मटेरियल्स आएगा तब वहां पे क्या लिखना है स्टोर्स तो आपको ये बेसिक चीज याद रखनी ताकि जनरल एंट्रीज काफी इजी हो जाएगा तो इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस तो एंट्री बन जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटीरियल्स के जगह पे अभी मैंने आपको बताया मटेरियल्स के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं स्टोर्स लिखने वाले हैं तो एंट्री होगा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट देन इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल्स टू प्रोडक्शन तो इनडायरेक्ट मटीरियल्स के बेस पर आपको याद रखना है जहाँ पे भी इनडायरेक्ट मटीरियल्स आएगा इनडायरेक्ट वर्ड जहाँ पे भी इनडायरेक्ट वर्ड आएगा वहाँ पर फैक्ट्री आएगा सो वेर एवर द वर्ड इनडायरेक्ट कम्स वी विल सब्सटीट्यूट विथ फैक्ट्री सो so, देखो यहां पे क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल्स टू प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है इनडायरेक्ट मटेरियल्स तो एंट्री होगा फैक्ट्री ओवर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट यहां पे प्रोडक्शन में डब्ल्यू में मत भेजना बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट मटीरियल्स तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें फैक्ट्री में भेजना है सो नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस तो देखो अगर हम डायरेक्ट वेजेस को पे करेंगे तो हमारा एंट्री होता है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट या वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक सिंपल एंट्री इफ वी आर पेइंग वेजेस एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे भी बैंक आएगा बैंक तो बैंक हम कॉस्ट कंट्रोल में नहीं लिखने वाले नॉन इंटीग्रेटेड में हम क्या लिखने वाले हैं कॉस्ट कंट्रोल सो बैंक विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय वर्ड कॉस्ट कंट्रोल तो देखो पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंट्री है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ये भी एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप में जाते पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप पे करोगे तो ऐसा कोई लेजर नहीं बनेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस डब्ल्यू आईपी के थ्रू ही ट्रांसफर होता है तो एंट्री होगा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट तो एवरीथिंग थिंग विच वी आर पेइंग जहां पे भी वर्ड आएगा पेमेंट सो वेर एवर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस तो पेमेंट जहां पे भी वर्ड आने वाला है याद रखना है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा सो वेर एवर द वर्ड कम्स पेमेंट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्या करना है आपको क्रेडिट करना है देखो अभी मैंने जो आपको बताया एंट्री पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट देन द नेक्स्ट इज फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस पेड देखो मैंने एक एक पॉइंट है इसकी अलग अलग एंट्रीज है बट मैंने आपको सिंगल चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ काफ़ी ईजी है अभी मैंने बोला कि वेजेस पेड तो क्या होगा वेजेस टू कॉस्ट कंट्रोल अभी मैंने बोला एक्सपेंसेस पेड तो एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा तो एक्सपेंसेस में क्या होगा डब्ल्यू आई पी टू कॉस्ट कंट्रोल अभी जो हम हेड पढ़ने वाले जो कॉस्ट शीट में आपने ऑलरेडी पढ़ लिए थे फैक्ट्री ओवर हेड्स एडमिन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स सो अभी होगा फैक्ट्री ओवर हेड्स पेड तो क्या होगा एंट्री ट्राई करो फैक्ट्री ओवर हेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ठीक है काफी इजी नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पेड तो क्या होगा एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेड तो क्या होगा एंट्री सेलिंग कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट सो इट्स वेरी सिंपल इफ एक्सपेंसेस आर पेड तो इसलिए मैंने कॉमन एंट्री यहां पे लिख दिया है दैट इज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस पे करना है वो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और आगे कंट्रोल अकाउंट लगा दो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और क्या क्रेडिट करना है हमको क्रेडिट करना है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ठीक है नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ये भी काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है जो आपको याद रखनी है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस जो मैंने आपको बोला था प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन जहां पे भी आएगा वहां पे क्या लिखना है हमको डब्ल्यू आई पी दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस तो एंट्री होगा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया ना तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको हर एक चीज के आगे कंट्रोल अकाउंट लगाना है बिकॉज वी आर फॉलोइंग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वेयर कंट्रोल अकाउंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सी जी एस तो सी ओजीएस का एंट्री क्या होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट नहीं बोलना है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट एंड लास्ट एंट्री इज सेल्स तो आपको सेल्स का तो एंट्री करना ही पड़ेगा एंट्री होगा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे समीपल राइट ओवर हियर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो इवन इफ यू राइट कॉस्ट ऑफ सेल्स इट इज राइट और डायरेक्टली राइट कॉस्टिंग पीएंटल आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में से फिर कॉस्टिंग पीएंटल में ही भेजोगे इसलिए इट इस बेटर टू राइट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस दीज आर द बेसिक एंट्रीज आप कोई भी क्वेश्चन लो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का ये एंट्रीज होंगे ही और आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर्स से ये एंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेसन आपको कैसे लगा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर आपको किसी एंट्री में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं आई विल सॉल्व यूर क्वेरीज एंड दिस चैप्टर इज फॉर फिफ्टीन मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल बी गेटिंग लेजर रिलेटेड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन सो दीज आर द बेसिक एंट्रीज इतने एंट्रीज भी आप अगर पढ़ोगे तो ईजिल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एक हाथों नए एडजस्टमेंट्स आए तो उससे रिलेटेड आपको एंट्री कंस्ट्रक्ट करनी है लेकिन ये एंट्रीज तो आपके पेपर में आपको देखने मिलेगी दैट्स इट दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम रिविजन सीरीज रिलेटेड टू कॉस्टिंग आई आई हैव टेकन दी कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट एज द फर्स्ट चैप्टर फॉर रिविजन अब हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स भी रिवाइज करेंगे जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक like करो और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो टिल देन एज यूजल बाय बाय वर्क हार्डर बी स्मार्टर